तो गाइज मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया जो तुम कहोगे यार ये कितना बुरा है। तो चलो बताता हूँ क्या हुआ। तो गाइज मैं ना यहाँ पे उतरा था क्लॉक टावर के ऊपर, और क्लॉक टावर पर उतरने के बाद मैंने यहाँ पे लूट कर ली थी अच्छी खासी। तो मैंने सोचा चलो अब बंदे को ढूंढते हैं और मारते हैं उन लोगों को, ठीक है। और मेरे टीममेट थोड़े से आगे थे, तो मैं जाता हूँ आगे और उसके बाद थोड़ा इस घर में कैंप कर रहा होता हूँ। तभी मैं किसी को देखता हूँ और फुटस्टेप की भी आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, तुम लोगों को नहीं आएगी। इतने में देखता हूँ ऊपर लड़ाई हो गई, जैसे कि तुम मैप में देख सकते हो। और गाइज जैसे ही मैं सुनता हूँ मैं ऊपर जैसे ही भाग के जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे दो तीन बंदे मिलके नहीं, पूरे के पूरे चार बंदे मिलके एक बंदे को मोड़ दिखा रहे। मैं एकदम क्लोज में आता हूँ, चुपके से देखता हूँ, मैं देखता हूँ यार यहाँ तो एक एडम को ये लोग इमोट दिखा रहे। भाई साहब ये लोग कितने बुरे हैं गाइस, इमेजिन करो, मतलब एडम को इमोट दिखा रहे। गाइस ये देखे तो मैं एकदम ही अंदर से खून खोल जाता है और मैं इधर कवर में आता और मैं इधर फायर करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही डैमेज मार दिया उसको मैंने, बहुत ही खतरनाक वाला। एक शॉट इधर मारेंगे भाई, चार उतरी, एक बंदा नॉक, दो बंदे नॉक हो गए गाइस। अरे भाई थोड़ी सी एचपी को, भाई 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 रुको रुको रुको, अंदर भागता हूँ अंदर भागता हूँ। ये तो अभी मुझे मार ही देते गाइस, एक एडम को बचाने के चक्कर में मैं भी मर जाता, लेकिन गाइस मुझे उसे बचाना ही होगा क्योंकि बहुत ही खतरनाक लोग है। चलो 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 पीछे एक नेट फेंक देता हूँ, कोई नॉक ओपी, एक नॉक हो गया बंदा, इसको पूरा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा रह रहा है भाई। M10 की रेंज गलत हो गई और यहाँ पे एक बंदा नॉक, एक ये भी है, रिलोड मार लेने दो मेरे को। लुके इस गेम बंडल डाउन हो चुका है गाइस, ये वाला भी डाउन हो गया, वो भी डाउन हो गया, एक बंदा बाकी, बस एक बंदा बाकी। चलो नीचे चलते हैं, जल्दी से मार के खत्म करते हैं। कहाँ पर है ये बंदा लास्ट वाला गाइस? यहाँ पे तो मैं उसको ढूंढ ढूंढ के एकदम ही परेशान हो गया था, लास्ट वाले बंदे को मिल ही नहीं रहा था और ऊपर से तीन बंदे नॉक हो रखे थे। तो मैं कहीं ना कहीं समझ गया था कि वो रिवाइव कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं जा रहा था, और जो कि मेरी बहुत ही अच्छी बात थी यहाँ पे, लकीली मैं आगे नहीं गया। तभी मेरे दिमाग में आइडिया था चलो ऊपर चलते हैं, और मैं जल्दी से ऊपर भाग के जाता हूँ और मैं देखता हूँ ऊपर से बंदे होंगे। तभी मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बंदे रिवाइव हो गए। इतने में एक पीछे से बंदा आता, मैं इसको नॉक कर देता हूँ, दूसरा भी आता है, इसको वन टैप लेने के चक्कर में छोड़ देता हूँ, लेकिन फाइनली नॉक कर देता हूँ। और गाइस एक तीसरा बंदा आता है, इसको भी नॉक, सब की गोली में नॉक हो जाता है क्योंकि जस्ट रिवाइव हो गया था, और इसको भी एक नॉक कर देता हूँ। और गाइस यहाँ तक कि ये लास्ट वाला बंदा आता है जो कि अज्जू भाई जैसे वाला ड्रेस पहन के आता है, और गाइस मैं इसको भी मार के खत्म, पूरी स्क्वाड को ऐसे खत्म कर देता हूँ। और खत्म करते ही ना मैं इमोट दिखाने लगता हूँ लोल, क्योंकि गाइस इन लोगों ने एडम पे जो इमोट दिखाया था ना, एक नोट ऑफ अ प्लेयर पे, मुझे बहुत बुरा लगा था। और गाइस हमेशा नोट ऑफ अ प्लेयर की रिस्पेक्ट करना चाहिए, मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूँ। तो क्लॉक टावर से ना मैं जा रहा होता हूँ पीक की तरफ, ठीक है। रास्ते में मेरे को बहुत कुछ दिखता है, भीमा शक्ति भी दिखता है, और मैं ना इधर उधर जा रहा होता हूँ और मुझे काफी मजा आ रहा होता है, मतलब कि एक स्क्वाड खत्म कर चुका होता हूँ। अब मेरी बारी होती है कोई और स्क्वाड को ढूंढ के मारने की, मेरे टीममेट भी दूर रहते हैं। लेकिन अभी आने वाला है ट्विस्ट। मैं जैसे ही सामने जाता हूँ एक फायर होती है, और इसके अंदर मैं देखता हूँ कौन है। तो मैं इसके अंदर जैसे ही देखता हूँ कि आखिर कौन है, तो मैं सबसे ऊपर चढ़ जाता हूँ, और चढ़ने के बाद देखता हूँ अरे भाई साहब अंदर एडम है। मैंने इसको मारना स्टार्ट किया, लेकिन ये टीम अप करने लगा। अरे भाई मैंने कहा यार टीम अप कर लेते हैं, क्योंकि गाइस देखो एक एडम को तो मैं कभी मारते नहीं, खास करके कोई भी बंदा हो जो भी मेरे से टीम अप करता है मैं उसको नहीं मारता हूँ। तो ये मेरे को टीम अप कर लेता, और मैं भी यहाँ पे टीम अप कर लेते हैं। अब हम दोनों जो है ना यहाँ पे इस टावर में बैठे रहते हैं, मेरा तो मन रहता है कि आगे चलो, लेकिन इसके पास लूट इतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन जोन आ रहा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो अब आगे चलते ही हैं। और गाइस कितना अच्छा दोस्त बन जाता है, मतलब देख रहे हो। और मैं सोचता हूँ इसके साथ बुया करेंगे, मेरे टीममेट भी आते होंगे। गाइस थोड़ी देर बाद ना यहाँ पर जोन आ जाता है, और जोन आने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, और एडम भी मेरे मतलब पीछे ही होता है, मजा आ रहा होता है, ठीक है, और टीममेट भी होते हैं। लेकिन अचानक से सामने ना एक स्क्वाड पड़ जाती है रास्ते में, एक स्क्वाड ऊपर से जोन, ऊपर से एडम के पास कुछ भी नहीं, और वो एकदम ही मुंह पे कूद जाते, मेरे को नॉक कर देते। और गाइस नॉक करने के बाद मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि ये सब मिलकर ना एडम को मार देते मेरे आंखों के सामने। और गाइस मारने के बाद ये लोग मेरे ऊपर इमोट दिखाने लगते हैं, और भाई मेरा तो भाई दिल ही टूट जाता है। अभी अभी एडम मेरा दोस्त बना था, और उनको ये ब्रेक डांसर बंडल, बनी बंडल, इन तीनों ने मिलके मार दिया। और गाइस ये टॉप अप प्लेयर गाइस हमेशा नो टॉप अप प्लेयर को परेशान करते रहते हैं, मतलब फिर से मुझे इमोट दिखाने लगे, और क्या बोलूं गाइस, मतलब बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसे भी मार दिया, मुझे भी इमोट दिखा रहे थे। तो फाइनली जब मैं पूरी तरीके से मर जाता हूँ तो मुझे रिवाइव दिया जाता है, और मैं उतरते मतलब एक ही बात सोच रहा होता हूँ कि भाई कितने बुरे हैं भाई वो लोग। और गाइज हमेशा ऐसा रियल लाइफ में भी तो होता है कि जो टॉप अप प्लेयर्स होते हैं, जो बहुत पैसा लगाते हैं, सब नहीं लेकिन हाँ कुछ पता नहीं एटीट्यूड दिखाते, ग्रुप में नहीं लेते हैं, जिनके पास अच्छी फ्रेंड लिस्ट में लोग नहीं होते, लाइक टॉप अप नहीं कराते, अच्छे ड्रेसेस नहीं होते, मतलब बहुत कुछ रीजन आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि जो लोग टॉप अप नहीं कराते हैं। गाइज तो टॉप अप कराने से कुछ नहीं होता, और समझो इस बात को, और #notup प्लीज कमेंट सेक्शन में लगा दो ताकि बाकी लोग भी समझ जाए।
तो थोड़ी देर बाद यहाँ से जब डेंजर जोन हट जाता है तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है यूएवी में, मेरे टीममेट भी आसपास ही होते हैं। तो मैं जैसे ही जाके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि अरे ये तो वही बंदे जिन्होंने मुझे मारा था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे अच्छी लूट नहीं होती है, इसलिए मैं जल्दी से आगे की तरफ भागता हूँ। मेरे पीछे टीममेट भी होते हैं तो मैं उनके ऊपर छोड़ के भाग जाता हूँ। लेकिन गाइस अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आता है कि ये दोनों जो है ना, जितने भी स्क्वाड होती है वो मेरे दोनों टीममेट को मारने लगते हैं, और मुझे पता चल जाता है कि हाँ पूरी स्क्वाड वहीं पर है क्योंकि इन दोनों ने उनको मार कर नॉक कर दिया है। और गाइस ये देख के मैं एकदम डर जाता हूँ कि कहीं ये मुझे भी ना मारते, क्योंकि गाइस मुझे इनसे रिवेंज लेना, लेकिन मेरे पास अच्छी लूट नहीं है अभी, मेरे पास लेवल 1 का वेस्ट है, आसानी से मार देंगे। तो फाइनली गाइस मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ लूट करते करते, और गाइस उन लोगों ने मेरे दोनों टीममेट को नॉक भी कर दिया होता है, मार भी दिया होता है, लेकिन तरीके से अपनी जान बचा के मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ। और मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि इधर भी बहुत सारे बंदे हैं, जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आगे बंदे पीछे भी बंदे। गाइस मेरे लिए सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि अगर मैं इनको नहीं मार पाया तो मेरा रिवेंज कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि नो टॉप अप प्लेयर को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक नो टॉप अप प्लेयर हूँ, मैं लूंगा ही। इतने मुझे समझ में आ जाता है कि एल शेप पे बंदे, और गाइस वो मेरा एकदम ही चेस कर रहे, पीछा कर रहे, और मैं देखता हूँ एक पेड़ के पीछे आ गया। मैं यहाँ पे वन टैप लेने के पीछे जाता हूँ लेकिन नहीं लगता है, और गाइस मैं समझ जाता हूँ पूरी स्क्वाड मेरे पर हमला करने वाले, मैं इनसे फाइट लेता हूँ। और गाइस मैं वन टैप लेता हूँ लेकिन वन टैप लगता ही नहीं है, लेकिन फाइनली गाइस टू शॉटर से मैं मारता हूँ। मेरे पास वॉल भी बहुत अच्छी खासी 3 होती है, तो इसलिए मैं आराम से एकदम करता हूँ, पहले बंदे को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे दूसरा बंदा एकदम ही पीक ले रहा होता है, लेकिन इसको भी मारता हूँ और एक वॉल लगा लेता हूँ, और फाइनली गाइस इसको भी नॉक कर देता हूँ। दो बंदे यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ, और दो बंदे सामने होते हैं जो कि एक इधर होता है एक उधर होता है। मैं इधर भी वन टैप मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन वन टैप लग ही नहीं रहा होता है गाइस, लेकिन मैं किसी भी तरीके से ट्राई करता हूँ क्योंकि वन टैप अगर लग जाएगा तो बहुत ही ईजी रहेगा। चलो 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 गाइस, चलो इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, सामने वाला भी क्लियर हो ही जाएगा। गाइस दो बंदे हैं यहाँ पे, सामने दो बंदे, ध्यान से लड़ना होगा। अरे ये रहा, एक नेट मारता हूँ इसके ऊपर, MP40 है इसके पास वैसे। अरे नेट, अरे भाई साहब ये तो मुंह पे ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसका पीछा करते हैं और टू शॉट से वन टैप मारते हैं। अरे किधर भाग गया ये, अंदर भाग गया क्या, एचएफ के अंदर भाग गया ये, अंदर भागे। चलो ऊपर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे पहले तो आराम से रहना होगा, वरना गाइस कहीं से भी होल्ड करके मुझे मार सकता है। मेरे हिसाब से कहीं नीचे होगा वो, और किधर है वो, ऊपर से दिख जाए। अच्छा ये रहा गाइस, वन टैप मारते, वन टैप ओपी, एक बंदे को वन टैप लग चुका है। आई थिंक अब लास्ट बंदा ही बाकी होगा, उसको भी मार देंगे। और गाइस वो कहाँ है, किधर है, पीछे है, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा गाइस, ये रहा। और ये आर्टिक ब्लू है क्या, हाँ मुझे भी लग रहा है, आई थिंक आर्टिक ब्लू है। नहीं आर्टिक ब्लू नहीं है, ये तो कुछ और ही है। और गाइस ये वॉल के पीछे है, अजीवे बंडल ऐसे कुछ पहन के आए क्या ये, सभी लोग आजकल ये देख रहा हो, अजीवे बंडल टाइप कुछ पहन के आ रहे। और यहाँ पे वन टैप लग जा, वन टैप तो लग ही नहीं रहा गाइस, वन टैप लग जा, इसको वन टैप ही मारेंगे, नहीं तो गाइस कुछ ऐसा मारेंगे जिससे कि मर जाए, मतलब अब लास्ट ही बंदा बाकी है। वन टैप लग जा यार, वन टैप तो लग ही नहीं रहा, मतलब क्या यार ये तो वन टैप नहीं लग रहा। मैं ना यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था, और मैं ना यहाँ पे वन टैप लेने के चक्कर में मतलब इतना पागल हो गया था कि सिर्फ वन टैप ही ट्राई कर रहा था। लेकिन फाइनली गाइस मुझे रियलाइज होता है कि वन टैप अब नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरी एमो खत्म हो जाती है। और गाइस जब मुझे पता लगता है एमो खत्म होती है, तब मैं यहाँ पे टू शॉटर और UMP6 पे फायर करने लगता हूँ, और फाइनली गाइस मैं हंसने भी लगता हूँ थोड़ा, और फाइनली एक शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। और मैं थोड़ा सा हंसने जा रहा था लेकिन मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि गाइस देखो उन लोगों ने जो मेरे साथ किया, मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। गाइस यहाँ पे मैं बातें कर ही रहा होता हूँ, और यहाँ पे मैं ना लूट करने जा ही रहा होता हूँ, लेकिन अब आने वाला है ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये होता है कि लास्ट जोन आ चुका है। गाइज मैं यहाँ पे लूट कर रहा होता हूँ, और लूट करते करते मैं यहाँ पे ना आगे पीछे जा रहा होता हूँ, और तभी मेरे ऊपर एक फायर आता है। और जैसे ही मेरे ऊपर एक फायर आता है, मैं देखता हूँ कौन है कौन है, और मैं देखता हूँ कि तो वही है, और मैं फायर करके इनको नॉक कर देता हूँ। और एक बंदा यहाँ पे जाता है नॉक, मैं यहाँ पे इनहेलर मारता हूँ, और मैं देखता हूँ और भी बंदे इसके आसपास ही होंगे, और मैं आगे पीछे नोटिस करता हूँ तो कोई नहीं होता। लेकिन हाँ मुझे एक बंदा अचानक से दिखता है, और मैं कहता हूँ वो तो वहीं पे खड़ा है। तभी मैं पीछे की तरफ भागता हूँ, और मैं जैसे देखता हूँ यहाँ पे तो बनी बंडल है, और गाइज मैं वन टैप मारता हूँ लेकिन वन टैप नहीं लगता इसको। और गाइज फाइनली मैं इसको यहाँ पे टू शॉट मार के नॉक करता हूँ, पीछे से फायर आ रहा होता है, और मैं इसके ऊपर रिमोट दिखा रहा था, क्योंकि गाइज इसने मेरे ऊपर रिमोट दिखाया था, और एडम का मुझे रिवेंज भी लेना था। और गाइज मैं यहाँ पे इसको रिमोट दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और देखता हूँ कि उधर से लगातार कोई फायर कर रहा होता है, मैं जिसको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। और ये मुझे ज्यादा रिमोट दिखाने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे वॉल लूट लेता हूँ, और मैं देखता हूँ कि सामने से भी एक बंदा आ रहा है। और गाइज यहाँ पीछे से भी मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, यानी दो बंदे बाकी, अभी मैं अकेला बाकी हूँ, लेकिन मुझे रिवेंज लेना था और मुझे रिमोट दिखाना था, क्योंकि गाइज एडम को बेचारा को कैसे मार दिया था और मुझे मार के रिमोट दिखा रहे थे। और गाइस ये लोग बहुत बुरे हैं और मुझे इनको मारना ही था। यहाँ पे एक बंदा मेरे पीछे था और एक बंदा एकदम ही सामने था, तो मैंने बहुत ही होल्ड किया, मैं बहुत ही धीरे धीरे खेल रहा था, क्योंकि गाइस मैं रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता था। गाइस बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था,
सामने दो बंदे थे और पीछे से जोन भी आ ही रहा था। मैं इतना होल्ड कर रहा था ताकि मैं उनसे बच सकूं, मैं उन्हें जल्दी मार सकूं, लेकिन वो भी रस नहीं कर रहे थे दो होने के बावजूद भी, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं कितना ज़्यादा अच्छा खेल रहा हूं। लेकिन पीछे से जोन आता और मेरे पास तीन ही वॉल होती, एक वॉल यहाँ पे वेस्ट हो जाती है और मैं यहाँ पे एक वन टाइम मारता हूँ, लेकिन ये मरता नहीं है। गाइस एक ही गोली का होता है, लेकिन मैं इसका पीछा करता हूँ, लेकिन ये भाग जाता है। बनी बंडल यहाँ होता है और गाइस ये जो रेयर बंडल होता है इसको भी वन टाइम मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये भी नहीं मरता। लेकिन यूएमपी से फायर करके एक वॉल लगाता हूँ, बस मेरे पास एक ही वॉल होती है और गाइस यहाँ पे मारता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि वो भी वॉल खत्म हो जाती है पता नहीं कैसे। लेकिन गाइस मैं किसी तरीके से मैं इसको भी मारता हूँ और यहाँ पे क्लोज में आता है, यहाँ पे टू शॉट मारता हूँ। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट चल रहा होता है और दोनों बंदे आगे पीछे मेरे कहाँ कहाँ से आ रहे होते समझ नहीं, लेकिन इतने में एक बंदा नौ और गाइस एक लास्ट बंदा बाकी होता है जो कि होता है बनी बंडल, और इसको मारना होता है और यहाँ पे मारता हूँ वन टैप खत्म। और इसी के साथ गाइस रिवेंज ले लेता हूँ। और गाइस प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, नो टॉप अप कमेंट सेक्शन में एकदम स्पैम कर दो।